हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुन्नी एंड शिया डिफरेंस का पार्ट वन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवाह से संबंधित जितने भी सुन्नी एंड शिया में डिफरेंस है, जितने भी अंतर है, उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो अदर डिफरेंस है, लाइक वसीयत का डिफरेंस होता है, तलाक का डिफरेंस होता है सुन्नी एंड शिया में, इन सब की वीडियो को मैं अलग पार्ट में बनाऊंगी। ये इसलिए सुन्नी एंड शिया का जो डिफरेंस है उसका पार्ट वन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मैरिज डिफरेंस इन सुन्नी एंड शिया, यानी सुन्नी एवं शिया में विवाह संबंधित अंतर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मुस्लिम्स में दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, सुन्नी और शिया। तो दोस्तों, सुन्नी विवाह और शिया विवाह में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर आता है इसमें कि सुन्नी में मुता विवाह अमान्य यानी इनवैलिड होता है और शिया में मुता विवाह वैलिड होता है। दोस्तों, जो मुता विवाह होता है वो होता क्या है कि एक निर्धारित अवधि के लिए, यानी कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, किसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं मुता विवाह। और ये एक टेम्परेरी टाइप का मैरिज होता है, ठीक है, जो कि सुन्नी में इनवैलिड होता है और शिया में वैलिड होता है। दोस्तों, दूसरा अंतर है जो सुन्नी विवाह है उसमें पिता यानी फादर व पितामह यानी ग्रैंडफादर के अलावा भी अन्य लोग विवाह के संरक्षक यानी गार्जियन हो सकते हैं। लेकिन जो शिया विवाह होता है उसमें केवल फादर और ग्रैंडफादर ही विवाह के गार्जियन हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा अंतर है सुन्नी विवाह में जब निकाह कराया जाता है या विवाह होता है, उस टाइम पर दो साक्षियों यानी विटनेसेस का होना आवश्यक होता है। लेकिन शिया विवाह में क्या होता है, शिया विवाह में विटनेसेस का यानी साक्षियों का होना आवश्यक नहीं होता है। दोस्तों, चौथा अंतर है एक साथ अकेले रहने में ही विवाह पूर्ण हो जाता है, यानी सुन्नी विधि में, मतलब सुन्नी विवाह में ऐसा माना जाता है कि अगर पति पत्नी एक साथ अकेले रह लेंगे तो उसी टाइम पे उनका विवाह क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, वैध माना जाएगा, यानी पूर्ण माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, शिया विवाह में क्या होता है, शिया विवाह में तब तक विवाह कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि समागम नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। दोस्तों, पांचवा अंतर है सुन्नी में क्या होता है, सुन्नी विवाह में विवाह जो होता है तीन प्रकार का हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। लेकिन शिया में विवाह सिर्फ वैलिड या वॉइड ही होता है। दोस्तों, सुन्नी विवाह और शिया विवाह में लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है, एक सुन्नी पुरुष को किसी गैर मुस्लिम स्त्री, चाहे वह किसी भी संप्रदाय की हो, तथा किसी किताजा लड़की से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। जबकि एक सुन्नी मुस्लिम स्त्री को किसी गैर मुस्लिम से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि सुन्नी विवाह में क्या होता है कि एक जो सुन्नी पुरुष है वो किसी गैर मुस्लिम स्त्री से या फिर किसी किताजा लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन एक सुन्नी महिला या सुन्नी स्त्री किसी गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, ना ही वो किताबिया से कर सकती है, ठीक है। दोस्तों, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो किताबिया होते हैं, वो किताबिया के अंदर कौन कौन आता है, यहूदी और ईसाइयों को किताबिया समुदाय माना जाता है, ठीक है। दोस्तों, जो शिया विवाह होता है उसमें, शिया में क्या होता है, पुरुष व स्त्री दोनों को ही किसी गैर मुस्लिम से विवाह करने की इजाजत नहीं है, केवल पुरुष किसी किताबिया या अग्नि पूजक पारसी लड़की से मुता या अस्थाई विवाह कर सकता है। मुता यानी टेम्परेरी मैरिज, जो कि किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, किसी फिक्स अमाउंट के लिए की जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे मैरिज डिफरेंस इन सुन्नी एंड शिया, यानी कि सुन्नी एवं शिया के विवाह संबंधित अंतर। दोस्तों, दूसरे प्रकार के अंतर के लिए आप दूसरे पार्ट्स को देख सकते हैं, जो कि मैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे चैनल की हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि सुन्नी एंड शिया डिफरेंस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।